नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube न्यूज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह जी जो जंतर मंतर पर धरना चल रहा है दोस्तों, वहां पर पहुंच चुके हैं। सुरेश गोयल जी उनके साथ और दोस्तों आप है और जो भूतपूर्व सैनिकों की भीड़ यहां पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भूतपूर्व सैनिक हमारे पिछले 5 सालों से यहाँ पर बैठे हैं, सभी के लिए बड़ा यहाँ पर कदम उठाया जाएगा। सभी जो हमारे वेटरन्स हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं पहुंच चुके हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह जी, और इनका हौसला आप देख सकते हैं दोस्तों। पिछले 5 साल से लगातार धरना जारी है, फिर भी इनका हौसला बिल्कुल देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, सुदेश गोयल जी को भी आप जानते होंगे जो कि वहाँ पर मुख्य चेहरा बनकर उभरी है दोस्तों। मेजर जनरल सतबीर सिंह भी जो जिनकी अध्यक्षता में जंतर मंतर पर धरना चल रहा है दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन का जो सरकार के द्वारा इस बार कदम उठाया गया था दोस्तों, बहुत ही निंदनीय वो कदम था। आप सभी को पता होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार से सुनवाई ना करने का फैसला दिया गया, और उसके बाद जब सरकार जो वकील है उनके द्वारा कहा गया कि हमें जल्द से जल्द इस पर कोई निष्पक्ष फैसला चाहिए हमारे वेटरन्स के हक में, तो उसके बाद 2 अगस्त की तारीख दी गई, लेकिन 2 अगस्त को भी कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला। जिस प्रकार से हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक सोच रहे थे, उस प्रकार का कुछ भी देखने को नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह जी की अध्यक्षता में इतने सालों से ये धरना चल रहा है, और सभी जो हमारे वेटरन्स हैं दोस्तों, सभी का दृढ़ संकल्प है कि जब तक वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं होगी, जब तक वो जंतर मंतर से नहीं उठेंगे। और दोस्तों ये आने वाला सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है वो आरओपी आंदोलन दोस्तों। आप सभी को पता है कितने सालों से ये आंदोलन चल रहा है, और मोदी सरकार ने जो फौजियों के साथ धोखा किया, आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के वादे किए थे, लेकिन जब अब उनके वादे का निभाने का समय आ गया था दोस्तों, भूतपूर्व सैनिक जो वेटरन्स हैं उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं कुचला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जितने भी हमारे वेटरन्स हैं दोस्तों, जो इतने सालों से भूखे प्यासे धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की कानों पर जूं तक नहीं गूंज रही है, क्या है इसका मामला। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पिछली कुछ हीरिंग होनी थी, उनमें से एक भी हीरिंग नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल सरकार के कठपुतली की तरह कार्य करता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में तो एक नई तारीख दे दी जाती है, हर बार का यही काम है दोस्तों, नई तारीख यहाँ पर दे दी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, हमारे भूतपूर्व सैनिक जिस होश से, जी हाँ दोस्तों, जिस जोश और होश से यह आंदोलन चलाए हुए दोस्तों, वैसा मानना बिल्कुल जा सकता कि फैसला उनके हक में आएगा, और जल्द से जल्द अब हमारे एक्टिव वकील भी एक्टिव हो चुके हैं, जो कि सरकार सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रहे थे, हमें जल्द से जल्द इस पर निष्पक्ष फैसला चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, जो वन रैंक वन पेंशन की सुनवाई नहीं हो पाई थी 2 अगस्त को, क्या इसकी सुनवाई कब होगी दोस्तों, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपडेट करेगा वो भी हम आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और जंतर मंतर से आने वाली हर एक अपडेट हम आपको बताते रहेंगे दोस्तों। आपसे सभी से अब मैं अनुमति चाहता हूँ दोस्तों, फिर मिलते किसी बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।